दोस्तों, भारत की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नए प्रतीक के साथ उभरे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया, और इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जीवन में परिवार, संबंध और भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आजादी। इस पूरी लड़ाई में कई घटनाएं हुई और इस क्रांति में असंख्य लोग भी मारे गए और घायल भी हुए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम सात ऐसे महानायकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने आजादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर एक, मंगल पांडे। दोस्तों, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगमा में हुआ, जो एक ब्राह्मण परिवार का था। इन्होंने सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल हुए थे और वे बैरकपुर की सैनिक कैंट में हुई 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एकमात्र सिपाही रह चुके थे, और यहीं से राइफल और कारतूसों में सुअर गाय के चर्बी वाले कारतूसों का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन इससे सैनिकों में काफी गुस्सा भर गया था। इसी वजह से 9 फरवरी 1857 को मंगल पांडे को भी नया कारतूस चलाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर हुसैन ने भगत सिंह से उनकी राइफल छीनने लगे, तभी उन्होंने हुसैन को मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ ही लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। इसी वजह से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भी फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, मंगल पांडे की मौत के कुछ समय बाद पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया, जिसे हम लोग आज 1857 का विद्रोह कहते हैं। नंबर दो, शहीद भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे छोटे फ्रीडम फाइटर्स थे? सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगा लिया था। भगत सिंह पर अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का काफी प्रभाव पड़ा था, लेकिन कहते हैं कि लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करके ली। दोस्तों, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। फिर उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया और फिर 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। नंबर तीन, दोस्तों, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापूजी कहकर भी बुलाया जाता है। गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण लोगों में से एक माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन में ऊंची सोच और विचारों के महत्व का प्रचार किया। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद। गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया और हिंसा के खिलाफ आंदोलन, जिसने अंत में भारत की आज़ादी की नींव रखी। और उनके जीवन भर की गतिविधियों में किसानों, मजदूरों के खिलाफ भूमि कर और भेदभाव का विरोध करना शामिल रहा है। वह अपने जीवन में अंत तक अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते रहे और फिर 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरह सत्याग्रह व अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और इसका कोई ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, नंबर चार, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े और असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी रहे। असल में वह एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे, और आगे चलकर वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। पूरे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए और भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। फिर 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और आज के युग में उन्हें वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नंबर पाँच, चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, इनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था और इन्हें आज़ाद कहकर भी बुलाया जाता था। जब वह 14 वर्ष की उम्र में बनारस गए और वहाँ पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की, वहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया। वे एक महान क्रांतिकारी थे और उनकी देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जागरूक किया। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सलाहकार थे और उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, 1930 से लेकर 1921 के बीच में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन से जुड़े रहे। इन्होंने भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती जो 1926 में, इसके बाद वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926 में, और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए इस पर गोलीबारी की जो 1928 में हुआ, और साथ ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया। और जब वे जेल गए थे तब वहां पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास स्थान बताया। लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हो गई। नंबर छह, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी थे
जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने गए और उसी वक्त साल 1938 और 1939 को वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने 39 से लेकर 40 के बीच में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की और दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, जिनका नाम आजाद हिंद फौज रखा गया। और ठीक दो साल बाद ही 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। और अंत में 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास हवाई दुर्घटना में नेताजी का निधन हो गया ऐसा बताया जाता है, लेकिन उनका शव भी नहीं मिल पाया था, इसलिए आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 7, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। वे भारत के प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या आप जानते हैं कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले यह पहले नेता थे? स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने अपने नारों से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, इस नारे ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें तो अशांति का जनक, फादर ऑफ द अनरेस्ट भी कहा और उन्हें लोकमान्य शीर्षक दिया गया, जिसका अर्थ लोगों द्वारा सम्मानित भी किया गया था उनको। दोस्तों, केसरी में प्रकाशित उनके आलोचकों से पता चलता है कि कई बार वह जेल भी गए। इस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल ने एक हफ्ते का मनाना शुरू किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लोगों के अंदर संघर्ष का साहस भर गया और 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थे भारत के साथ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई और अपना बेहतरीन योगदान भी दिया, साथ ही भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए बलिदान दिया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना।